ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रेरणा और मेरे चैनल का नाम है सुपर ब्यूटी डिजायर। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी। तो कैसे जा रहे हैं आपके ये विंटर्स? तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि विंटर्स में आप जो है अपने बालों की देखभाल किस तरीके से कर सकते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, बिकॉज क्या होता है कि विंटर्स में हमारे हेयर जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, विच आई पर्सनली डू नॉट लाइक। तो मैं क्या करती हूँ, आज सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन अगर मेरे चैनल के लिए न्यू हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे ना आपको तो हिट लाइक भी जरूर देना इस वीडियो को। तो चलो जल्दी से देखते हैं ये वीडियो, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, टिप नंबर वन मैं आपको यहां पर दूंगी कि आप जो है गर्म पानी से अपने बालों को बिल्कुल भी वॉश ना करें तो बेटर रहेगा। सर्दियां जब आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हॉट वाटर से जो है अपने बालों को वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं, जिससे क्या होता है कि डैंड्रफ हो जाती है हमारे स्कैल्प पे और बहुत ज्यादा इची हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि जो ल्यूक वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर, उसको ही अपने बालों के लिए यूज करें। तो गाइज, टिप नंबर टू में मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंस ऑफ हेयर ऑयलिंग। सो गाइज, क्या होता है कि हम गर्मियों में तो हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सर्दियों में भी हेयर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो इट विल अफेक्ट एडवर्सली ऑन योर हेयर। यस गाइज, सर्दियों में जो है हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आप हेयर ऑयल यूज नहीं करते हैं अपने बालों में तो आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्लेकी हो जाता है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर जो है फ्रिजी हो विंटर्स में, तो हेयर ऑयलिंग इज मस्ट गाइस। मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज बेसिकली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। तो ये है अनियन हेयर ऑयल, ये बहुत ज्यादा यू नो बेनिफिशियल है व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल योर हेयर फॉल। तो मैं इसको ही आजकल यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, इफ यू वांट टू चेक इट, तो मैं ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक दे दूंगी, तो यू मस्ट चेक इट आउट। और अनियन, जैसे कि आपको पता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उससे हमारे जो हेयर हैं वो बहुत अच्छे से बूस्टअप होते हैं। एंड ऑल्सो इसके साथ में आता है ये कोम नेक, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी हेल्प से आप जो है अपने हेयर में जो है ऑयल लगा सकते हैं और डीपली आपके पेनिट्रेट होगा, रूट्स में जाएगा, जिससे कि हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। सो नाउ चलिए जान लेते हैं कि थर्ड टिप कौन सी है। तो थर्ड टिप में मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंस ऑफ हेयर सीरम। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने फेस पे तो सीरम लगाते हैं, जैसे कि आपकी फेशियल स्किन जो है बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन हेयर में आप लोग सीरम बहुत ही कम यूज करते हो, है ना। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ही हेयर सीरम जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है गाइज, और अगर आप उसको यूज करोगे तो आपका जो हेयर है वो बहुत अच्छे से यू नो स्ट्रांग बनेगा और हेयर फॉल भी बहुत हद तक रुक जाने वाला है। सो गाइज, इन दीज विंटर्स आई एम यूजिंग दिस हेयर सीरम। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मामा अर्थ और ये है उनका ऑयल स्कैल्प सीरम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इट कम्स विद द अनियन ऑफकोर्स एंड ऑल्सो नायासिनामाइड, और इसमें जो है विटामिन B3+ भी है, जो कि आपके हेयर को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने में हेल्पफुल रहता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग। ये इस तरीके की कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आता है, एज यू आर सीइंग ओवर हेयर। देन इसके अंदर जो है वो है हमारा प्रोडक्ट। तो सबसे अच्छी बात है इसकी कि इट कम्स विद द ड्रॉपर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है इसकी बॉटल गाइस, इस तरीके की बॉटल है, बहुत ज्यादा स्टर्डी है, ये ग्लास की बॉटल है, बट ऑफकोर्स इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, तो यू कैन नॉट सी द प्रोडक्ट इन साइड, बट येस काफी ज्यादा स्टर्डी है। देन दिस पैकेट कम्स विद दिस ड्रॉपर ओवर हेयर, आप देख सकते हैं, आपको जस्ट इस लिड को ओपन करके और फिर अपना ड्रॉपर इसमें जो है इंसर्ट करना है, और ड्रॉपर के थ्रू ही आपको अपने स्कैल्प पे जो है ये सीरम अप्लाई करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने ये सीरम कैसे अप्लाई किया है। Oh, 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 oh
कि अभी आपने क्लिप में देखा, ये जो ममा अर्थ का अनियन स्कैल्प सीरम है, ये इट्स जस्ट लाइक अ वाटर। अगर आप अपने स्कैल्प पे लगाते हैं ना तो आपको फील भी नहीं होगा दैट आपने कुछ लगाया हुआ है। ये बिल्कुल भी ऑयल की तरह नहीं है जो आपके बालों को ग्रीसी बना देगा, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप इसको लगाने के 2 or 3 hours के बाद में हेयर वॉश कर सकते हैं, या फिर आप इसको ओवरनाइट रखें देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हेयर वॉश कर सकते हैं। आपको जस्ट वीक में ट्वाइस यूज करना है। मैं इसी तरीके से इसको यूज कर रही हूँ, काफी इफेक्ट देखने के लिए मिला है। यहाँ पर जो है मेरे काफी एक गैप टाइप का हो गया था, तो जब से मैंने इसको यूज किया है मेरी जो गैपिंग है यहाँ की वो बिल्कुल रिड्यूस हुई है, और आप देख रहे हैं बेबी हेयर भी आना चालू हो गए हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो स्ट्रांग आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रांग बनते हैं, और कहीं कहीं से अगर आपको ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी हो रही है तो ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी स्टॉप हो जाती है। गाइस चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया इसमें अनियन है, तो अनियन में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि आपकी जो हेयर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। देन इसमें जो है नायासिनामाइड दिया हुआ है, तो नायासिनामाइड वॉज अ वेरी न्यू टर्म फॉर मी, न्यू प्रोडक्ट फॉर मी। तो मैंने जो है इसको गूगल करा, देन आई केम टू नो दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3+। तो ये B3+ का एक फॉर्म है जिससे कि क्या होता है कि आपके हेल्दी जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी बनते हैं, स्ट्रांग होते हैं आपके हेयर, और जो आपका स्कैल्प है वो भी क्लीन एंड क्लियर होता है। ऑल ममा अर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स। इट इज एन इंडियन ब्रांड एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई सपोर्ट लव दिस ब्रांड। ऑल्सो इट इज प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है नायका पे, अमेजोन पे, ममा अर्थ पे और purple.com पे। और अगर आप ये मेरा जो कूपन कोड है प्रेरणा20 के नाम का वो यूज करते हैं mamaearth.in पे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। सो इससे गाइज आपका हेयर टेक्सचर भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे हेयर जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव हुए हैं, पहले बहुत ज्यादा थिन भी हो गए थे, तो इसने जो है मेरे टेक्सचर को भी इम्प्रूव करा है, आप देख सकते हैं लाइक दिस। तो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइज। आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं ये प्रोडक्ट, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो गाइज नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताना चाहती हूँ शैम्पू के बारे में। तो शैम्पू जो होता है गाइज, हम बहुत ज्यादा केमिकल से फिल्डअप शैम्पू यूज करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि ऐसा एक शैम्पू यूज करें जिसमें कि केमिकल्स ना हो, केमिकल फ्री हो वो शैम्पू, तो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है एंड ऑल्सो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी जल्दी जल्दी होती है। Tell you the next tip over here. मैं जो करती हूँ विंटर्स में, मैं रात में जो है अपने जो हेयर है उसको बिल्कुल भी ओपन नहीं छोड़ती हूँ। आई जस्ट टाई अ पोनी और आई जस्ट मेक अ ब्रेड ऑफ ओवर माई हेड, तो उसको लगा के देन आई जस्ट गो टू स्लीप, तो काफी ज्यादा मुझे रिलैक्सिंग फील होता है। सो यस गाइज, यही थे मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, विंटर हेयर केयर रूटीन मैंने आज आपके साथ में शेयर करा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक जरूर देना इस वीडियो को, और मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी ऐसे ही प्यारे से वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।